भर में चल रही लंपी वायरस डिलीज स्किन बीमारी के निवारण हेतु नवयुग मंडल ब्राह्मण समाज तालोड़ा के युवा आए आगे। आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर खिलाने की तैयारी हुई शुरू। साबला राजस्थान डूंगरपुर जिले के साबला उपखंड के अंतर्गत नवयुग मंडल ब्राह्मण समाज तालोड़ा के युवाओं के द्वारा आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर खिलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश भर में लंपी स्किन डिलीज वायरस से काफी गायों में बीमारी के कारण मौत हो रही है, जिस मामले को गंभीरता से लेते हुए यहां के युवाओं ने आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर खिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। गाय को हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देवी का रूप माना जाता है, जिसको लेकर यहां के युवाओं में दूध का कर्ज निभाने का एक सही वक्त मानते हुए यहां के युवाओं में दयालाल जोशी, मयूर जोशी, सुनील जोशी, मोहित जोशी, दुष्यंत जोशी, चेतन जोशी, हितेश जोशी, रौनक, पार्थिव, जुगल, अमित एवं गांव के कई युवाओं का अपार सहयोग इस आयुर्वेदिक लड्डू बनाने को लेकर है। आपके अपने क्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे News24 पब्लिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर करें।